हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आपको याद होगा कम्युनिटी मैंने एक पोस्ट किया था, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक डिवाइस का गिव अवे करूंगा। वैसे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए एंड ना ये गिव अवे वाला वीडियो है। वैसे जिस डिवाइस का मैंने सोचा था वो ये वाला था, वीवो का T3X। एक बजट फ्रेंडली डिवाइस है, 15000 के अंदर देखने मिल जाता है। 3 वेरियंट है, 4GB, 6GB, 8GB रैम के साथ, एंड इसमें आप माइक्रो SD भी लगा सकते हो। इसमें फिलहाल 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, सभी में 128GB स्टोरेज है। बॉक्स में आपको मिल जाता है USB टाइप सी का केबल, एंड इसमें आपको सिम टूल इजेक्टर देखने मिल जाता है, जैसा कैमरा कटआउट है। डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का। वैसे ही आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने मिल जाता है, एंड 44 वॉट का आपको चार्जर देखने मिल जाता है। मतलब बॉक्स में आपको सब कुछ देखने मिल जाता है। लेकिन एक चीज है, याद रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज अगर आपने दीपस्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज्यादा जरूरत है। एंड अगर 1000 सब्सक्राइबर होता है तो किसी ना किसी लकी विनर को ये डिवाइस मिल जाता। लेकिन 15000 के अंदर क्या ये डिवाइस खुद को जस्टिफाई करता है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे वीवो का जो है आपका ब्रांडिंग किया हुआ है, एंड ये जो आपका राउंड सा सर्कल दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, इसके लुक को एनहेंस कर देता है। दो कलर में था, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया। एंड अगर मैं बात करूँ बटन्स की, तो लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे जो है सिम ट्रे दिया हुआ है, राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम डाउन अप बटन दिया है, यही आपका पावर बटन है, यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। रहा बात, मतलब साइड में ही है, यहाँ पे आपका स्पीकर है, स्टीडियो स्पीकर। स्पीकर में भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे USB टाइप सी का पोर्ट है, एंड ये रहा आपका हेडफोन लगाने का जगह, ईयरफोन लगाने का जगह। कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बॉक्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, इसमें 6000 mAh बैटरी है, 44 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप कैसा है, क्या ये ज्यादा हैवी है या लाइट वेट है, तो ज्यादातर ये आपको लाइट वेट ही फील होने वाला है, कंफर्टेबल है हैंडलिंग में। एंड बैकअप कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, एंड डुअल स्पीकर है। सो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बिल्ड आपको आइडिया लग जाओगा कि कैसा है। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 15000 के अंदर आपको ऐसा डिवाइस मिल रहा है जो आपको प्रीमियम सा फील देने वाला है, एकदम अच्छा सा फील देने वाला है, कंफर्टेबल लगेगा आपको यूज करने में, एंड इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है। दूसरा चीज याद रखने वाली बात है इसमें कैमरा, 15000 का डिवाइस है, कैमरा कैसा है। बैक में आपको 50 and 2 megapixel का कैमरा देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूं इसमें जो है गाइज, अल्ट्रा वाइड जो है आपको वो देखने नहीं मिलता है, तो अल्ट्रा वाइड इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर आप डे लाइट में फोटोज लेते हो, लाइट अच्छा है, प्रिटी लाइट है, डिसेंट लाइट है, तो आपको वीडियो क्वालिटी या फोटो क्वालिटी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल एक लाइन में बोल रहा हूं। एंड अगर आप लो लाइट में लेते हो, नाइट टाइम लेते हो, तो फिर आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। एंड सेल्फी के मामले में अगर मैं बोलूं, तो मैंने खुद की सेल्फी ली थी, एंड जितना नहीं हूं उतना ज्यादा इसने गोरा बना दिया, तो वो चीज है। थोड़ा सा डिटेल किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आएगा, इट्स अप टू देम, चॉइस चॉइस की बात होती है। सो यस, कैमरा आपका ठीक ठाक है प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड रहा बात अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, उसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं आपका कैमरा जो है, कैमरा आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड लो लाइट में तो बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, तो 15000 के अंदर ये डिवाइस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। रहा एक और चीज याद रखने वाली बात है, दैट इसका जो है आपका चार्जिंग एंड बैटरी, तो 6000 mAh बैटरी है। एक लाइन में बताता हूं, अगर आप दिन भर यूज करोगे तब भी आपका बैटरी खत्म नहीं होगा, आप थक जाओगे बैटरी खत्म नहीं होगा। एंड बाय चांस अगर आपका बैटरी खत्म हो जाता है, तो 1.5 घंटे में 44 वॉट का चार्जर से फास्ट चार्जिंग है। अपने सेगमेंट का इस डिवाइस में अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा बैटरी देखने मिलता है। तो ऐसे लोग जो बजट प्राइस में, बजट रेंज में एक ऐसा डिवाइस ढूंढे जिसका बैटरी बैकअप तगड़ा दे, वो इस वाले डिवाइस को चूज कर सकते हैं। एंड इसका डिस्प्ले भी आपका अच्छा है, इसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने मिल जाता है, ये रहा आपका फिंगरप्रिंट भी देखने मिल जाता है, देख सकते हो। तो ये भी फास्ट है, एंड डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है, डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। एंड अगर आपने इस डिवाइस का रिव्यू नहीं देखा है, ये है आपका बजाज का चेतक का ईवी वाला प्रीमियम वाला, तो इसका भी जाकर आप देख सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है। एंड इससे पहले भी एक डिवाइस आया था जो कि पॉकेट फ्रेंडली था 7000 के अंदर, उसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। रहा बात अगर मैंने बताया चार्जिंग जो है आपको मतलब दिन भर दे देगा, दिन भर से मतलब अगले दिन भी आप आराम से कर सकते हो, कैसा यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है, तो बैटरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब वैसे इंसान जो चाहते हैं कि उनका डिवाइस लंबे तौर पर चले, दिन भर उनका बैकअप दे, वो इस डिवाइस को चूज कर सकते हैं 15000 के अंदर। एंड ये आपको मतलब बैटरी बैकअप के अकॉर्डिंग आपको अच्छा देखने मिलने वाला है। इसका रहा बात डिस्प्ले, डिस्प्ले जो आपको 6.72 इंचेस का है, फुल HD+ है, LCD स्क्रीन है,
है, एमोलेड को टक्कर देने वाला डिस्प्ले है, ऐसा ही बोलूंगा। थोड़ा सा नीचे में आपको बेजल ज्यादा देखने मिलते हैं, तीन साइड में आपको बेजल कम देखने मिलेगा। एंड यस, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, कलर्स भी अच्छे हैं। 4K में वीडियो चल रहा है, मेरा ही वीडियो है, सो 4K में भी आराम से देख लोगे, आपको लैग होता हुआ नहीं दिखेगा। एंड LCD डिस्प्ले है, लेकिन 1000 nits का ब्राइटनेस है, मतलब आउटडोर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो डिस्प्ले भी आपको अच्छा है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, नीचे बेजल जाता है, LCD है, ब्राइटेस्ट भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड कलर कॉन्ट्रास्ट भी आपके स्क्रीन का अच्छा देखने मिलता है। सो मतलब एक 15,000 के अंदर इतना मिल रहा है, आपके लिए काफी होगा एंड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दूसरा चीज, एक और चीज याद रखने का, इसमें आपको TUV देखने मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो आपको आंखों को हार्म नहीं करेगा। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप दूसरा मूवीज देखना चाहते हो, यूट्यूब पे देखना चाहते हो, कुछ भी मल्टीमीडिया कंज्यूम करना चाहते हो, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वीडियो चल रहा है। एंड मैंने कुछ सैंपल्स दे दिए हैं। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, मतलब अगर आप नेविगेट करते हो, मतलब और स्विच करते हो एप्लीकेशंस के बीच में, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल जाएगा। आपका नेट सर्फिंग हो गया, इंस्टाग्राम चलाना होगा, यूट्यूब देखना होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आप 60 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक आप आराम से मतलब कर सकते हो, रिफ्रेश रेट आपका चूज कर सकते हो, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रहा एक और चीज है, मैं इसके एंड में बात कर लूंगा, स्टीरियो स्पीकर है, तगड़ा है। इसमें एक और मोड मिल जाता है, वो जो है आपका थोड़ा टाइम के लिए, मैं आवाज बढ़ा रहा हूं। सामने में आपको केबल देखने मिल जाता है, चार्जर देखने मिलेगा, इस वाले में आपको ऑडियो बूस्टर मोड देखने मिल जाता है। व्हाट इज दैट? तो नॉर्मल 100% इस मोड को एक्टिवेट करते 300% आपको वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा कैसा क्वालिटी है। तो वीडियो तो आपका तगड़ा है ही इस प्राइस रेंज में, लेकिन इसका ऑडियो भी आपको तगड़ा ही देखने मिलेगा, डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो साइड में माउंटेड, वो भी प्रीटी फास्ट है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस डिवाइस T3X में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने मिल जाता है। एंट्रोड्यूस कोड 5 लाख है। इस वाले में 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। गेमिंग के मामले में अगर मैं बोलूं तो BGMI 40fps तक आराम से खेल सकते हो, 60 होता तो अच्छा होता। एक और बैडलैंड भी गेम खेला था, ज्यादा मैं गेम नहीं खेलता हूं, सो यस टाइम नहीं मिलता गेम खेलने को, लेकिन गेम भी आपका आराम से चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल गेम खेलना चाहते हो, 60fps होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी ठीक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हीटिंग का इशू मुझे ज्यादा देखने नहीं मिला, 1-2 डिग्री तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, उतना ठीक है। तो मतलब इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। एंड इसके अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें आपको एंड्रॉइड 16 तक अपडेट मिलेगा। फन टच OS जो है 14 देखने मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 बेस्ड है एंड 16 तक मिलेगा। रहा बात कुछ ब्लॉटवेयर देखने मिले, जैसे एक चैट करके एप्लीकेशन मुझे लगता है। दूसरा चीज, इसमें आपका हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स जो था वो आप थैंकफुली उसको हटा सकते हैं, तो वो आप आराम से हटा सकते हो, तो और आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने नहीं मिलेगा। सो और गेम खेलना चाहते हो, डे टू डे यूज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने मिल जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा एंड आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा ही देखने मिलेगा। एंड चार्ज अगर खत्म हो गया तो फास्ट चार्ज कर देगा, चार्ज फुल हो गया तो फिर आपको बैकअप भी अच्छा देखने मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि मैंने इस डिवाइस के बारे में सोचा था अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं इसका गिव अवे करता, लेकिन हुए नहीं, तो चलो मैं खुद यूज करने वाला हूं। लेकिन मैं गिव अवे करने वाला था, तो मतलब ऐसा डिवाइस है जो मैं दूसरों को रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप ये डिवाइस लेना चाहते हो तो इस डिवाइस को डेफिनेटली आप ले सकते हो एंड इसका एटीट्यूड स्कोर भी अच्छा देखने मिला। सो देखा जाए तो आप 15,000 के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, तो बहुत कुछ मिल जा रहा है। जैसे इसका आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमरा भी ठीक ठाक है, उसको और भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज के अंदर ठीक है। इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्प्ले बड़ा है, डिस्प्ले का क्वालिटी बड़ा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बैटरी का आपका जो बैकअप है वो भी अच्छा आपको देखने मिल जाता है। हाँ थोड़ा थोड़ा डील कहाँ करने हो सकता है कैमरा के मामले में आपको थोड़ा सा डील करना पड़े। एंड और सब चीजों के बारे में बोलूं तो इसका स्पीकर भी आपको तगड़ा ही देखने मिल जाता है। तो एक लाइन में बोलूंगा, बैटरी आपको लंबा टर्म में चला जाएगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लाउड स्पीकर है, वही चीज है। 15,000 के अंदर आपको एमोलेड देखने नहीं मिल रहा है, तो 15,000 है। दूसरा चीज है, आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, होता तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाता। एंड लो लाइट में डिटेल्स कम रहते हैं, लो लाइट में आप पिक्चर्स ले सकते हो, जो मैंने आपको सेल्फी दिखाया था वो लो लाइट का ही था, मतलब पिक्चर्स ले लेते हैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल आपको कम रहेगा। ओवरऑल यही है आपका वीवो का T3X, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड यस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भैया लो, प्लीज मिलता हूं दूसरे वीडियो में। एंड यस, मैंने एंड में जो है ऐड कर दिया है ऑडियो का सैंपल, आप देख लो, आप
जज कर लो आपको कैसा लगा। बाद में मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, यही था आपका वीवो का T3X गिव अवे करने वाला था, 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं, बाय बाय।